फूड्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के दही वड़े। आलू के दही वड़े बनाना बहुत ही आसान है, आप इनको कुल मिला के 10 मिनट में बना सकते हैं। आज ये आलू के बड़े मैंने नवरात्रि के फास्ट के लिए बनाए हैं, पर आप इन दही बड़ों को कभी भी शाम को स्नैक्स के लिए बना सकते हैं, पार्टीज के लिए बना सकते हैं या पॉटलक्स के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। आलू के दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दही लूँगी, ये मैंने थिक कर लिया है, और हम इसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि आज ये दही बड़े मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक का यूज़ किया है। और हम इनको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, दही एकदम हमारा फेंट कर तैयार है। और दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्ची, हरा धनिया, सजाने के लिए अनार, कुट्टू का आटा, लाल मिर्ची पाउडर, महीन कटी हरी मिर्चें और तेल। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। इनको आप ग्रेट ना करें, हाथ से इसी तरह से मैश कर लें। ये देखिए, अब हमारे आलू तैयार हैं। हम इसमें डालेंगे कूटू का आटा। अगर आपके पास कूटू का आटा नहीं है तो आप सिंघाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें करीब हम 1.5 चम्मच कूटू का आटा डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे ये हरा धनिया, काली मिर्ची, नमक, आप सादा नमक या सेंधा नमक, कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्ची, और अब हम इन सभी को अच्छे से आपस में मिला देंगे। तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पर कूटू के आटे की जगह सिंघाड़े का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ये दही वड़े फास्टिंग के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक की जगह सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार है, आइए हम इनके वड़े बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लूँगी, जिससे कि वड़े बनाते समय मेरे हाथों में ना चिपके। अब मैं ये थोड़ा सा आलू का मिक्सर हाथों में लूँगी और इसको हाथों से इस तरह से रोल कर लूँगी, और अब मैं इसको हल्का सा चपटा कर दूंगी और इसके साइड्स एक सार कर दूंगी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इसके साइड्स बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। आप छोटे या बड़े साइज़ के वड़े अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए, वड़ा तैयार है, मैं इसको प्लेट पर रखूंगी और इसी तरह हम बाकी के वड़े भी तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे वड़े बनकर तैयार हैं, आइए इनको फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म किया है, और अब मैं वड़ों को एक बार फिर से हाथों से एकसा करूंगी और तेल में डालूंगी। यहाँ पर हम कुल 3 से 4 वड़े एक बार में तेल में डालेंगे, जिससे कि वो क्राउडेड ना हो, आपस में ना चिपके और आसानी से सिक सके। जब वड़े थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो मैं उनको पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी सिकने दूंगी। ये देखिए, वड़े अब ऑलमोस्ट तैयार हैं। मैंने इनको कई बार पलट कर क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, और आइए अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे वड़े बनकर तैयार हैं। ये देखिए, देखने में कितने क्रिस्प दिख रहे हैं। आप इन वड़ों को ऐसे ही खा सकते हैं, पर आज हम इनको दही वड़ों के रूप में बनाएंगे, तो आइए इनको असेंबल करते हैं। तो इसके लिए मैं दही वड़ों को दही में डालूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि दही वड़ों के ऊपर दही की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और अब हम इनको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा एक्स्ट्रा दही डालेंगे, जिससे कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अब गार्निशिंग के लिए हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा नमक, हल्का सा ज़ीरा पाउडर, महीन कटी हरी धनिया की कुछ पत्तियाँ, और इसको सजाएंगे हम अनार के दानों से। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा इनको बनाना कितना आसान होता है, तो आप ये दही बड़े ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।